हेलो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स को इस तरह का मैसेज मिल रहा है जो कि एम्स की तरफ से है, और इसमें बताया गया है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए, तो उसमें आपको एक ईमेल भेजा गया है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको वो ईमेल खोल के देखना है। मैं आपको वो ईमेल दिखा देता हूँ। ईमेल आईडी खोलेंगे तो आपको इस तरह का एक मैसेज मिलेगा, ठीक है, जिसमें लिखा गया है कि जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जो कि 27 और 28 मार्च का होना है, इसमें आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, और इसका रीज़न जानने के लिए आपको एम्स की वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी आईडी के साथ लॉगिन करना है। और जब आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि एम्स का जो पोर्टल है उस पर ऊपर ही डैशबोर्ड पर रेड कलर में कुछ मैसेज होगा, आपके फॉर्म जो भी रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो रीज़न आपके डैशबोर्ड पर मैंशन किया गया होगा रेड कलर में। ठीक है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट ओवर एज है तो उसका रीज़न उसमें लिखा गया होगा कि आप ओवर एज हो, इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह कोई मैसेज आता है तो फटाफट आपको जाके एम्स की वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना है और देखना है इसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आप उस रीज़न को करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्ट करके फॉर्म को दोबारा सबमिट कर दीजिए, जिसकी लास्ट डेट है 15 मार्च शाम 5 बजे तक। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को करेक्ट करने की, वो आज ही है शाम 5 बजे तक, यानी कि 15 मार्च तक। तो अगर आपको भी इस तरह कोई मैसेज रिसीव हुआ है तो जल्दी करिए और एम्स की वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन करके डिटेल चेक करिए।